नमस्ते दीदी भैया, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। BTS के इस वीडियो में हम आज कुछ ऐसी कानूनी सहायताओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में अक्सर कर्मचारियों को पता नहीं होता है, जिसके कारण वह इन सब का लाभ नहीं उठा पाते और कुछ मामलों में उनको काफी तकलीफ भी झेलनी पड़ सकती है। भारत में कर्मचारियों के संरक्षण के लिए कानून द्वारा कुछ कोड्स हाल ही में पास हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई भी मालिक आपके लिंग के आधार पर रोजगार या आपकी पगार की कीमत तय नहीं कर सकता? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिंग के आधार पर मालिक कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा मालिकों को एक निश्चित समय पर पगार देनी पड़ेगी जो एक महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर कर्मचारी दिन के हिसाब से काम करता है तो उसको हर दिन का काम होने के बाद पगार मिलेगी। अगर हफ्ते के लिए काम करता है तो हर हफ्ते के आखिरी दिन पगार मिलनी चाहिए और महीने के लिए काम करने वालों को अगले महीने के सातवें दिन से पहले पगार मिल जानी चाहिए। मतलब अगर आपने अपने मालिक के लिए जनवरी महीने के लिए काम किया है तो आपको फरवरी के सातवीं तारीख यानी 7 फरवरी तक अपनी पूरी की पूरी पगार मिल जानी चाहिए। मान लीजिए कि मालिक के कहने पर आपने एक दिन में साधारण घंटों से ज्यादा काम किया है। इस स्थिति में पहले तो आप ओवरटाइम यानी ये अधिक घंटों के लिए काम करने के लिए मना कर सकते हैं, पर अगर उन अधिक घंटों के लिए काम करना आपकी मजबूरी है तो आप उन घंटों के लिए अपनी सामान्य से कम 2 गुना पगार मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मालिक द्वारा काम नहीं दिए जाने की वजह से आपने सामान्य से कम घंटे काम किया हो और ना कि इसलिए क्योंकि आपने काम करने से मना किया हो, तो आपको पूरे दिन की पगार मिलनी चाहिए। अगर मालिक ने आपको काम से हटाया हो या अगर आपने खुद काम छोड़ा हो तो आपको आपकी बची हुई पगार 2 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से मिल जानी चाहिए। फाइन, बताए बिना छुट्टी लेना, मालिक द्वारा दिए गए चीजों का नुकसान करना, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मालिक आपकी पगार काट सकते हैं, पर आपकी पगार 50% से अधिक नहीं कट सकती। यानी अगर इन सब परिस्थितियों के होने पर आपकी दिन की पगार 100 रुपए है तो मालिक आपके ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए काट सकता है। उसके बाद भी आपको 50 रुपए कम से कम मिलने ही चाहिए। इसके आगे विशेष रूप से अगर हम फाइन्स के बारे में बात करें तो ये जानना जरूरी है कि 15 की उम्र की किसी भी कर्मचारी पर फाइन नहीं डाली जा सकती। इसके अलावा एक समय की पगार पर 3% से ज्यादा फाइन नहीं डाला जा सकता। यानी अगर आप दिन का 100 रुपए कमाते हैं तो मालिक आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए का फाइन लगा सकते हैं और आपको बची हुई राशि फिर भी मिलेगी। अगर ऐसी परिस्थिति उठे जहाँ की आपने मालिक के खिलाफ अपनी पगार ना मिलने का दावा डाला हो, तो अगर मालिक ने ऐसा कहा है कि उन्होंने आपको पूरी पगार दी है तो ये साबित करना उनकी जिम्मेदारी है। क्लेम डालने के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कुछ साबित करना हो कि आपको पगार मिली या नहीं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जहां कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वो गायब हो जाए तो कर्मचारी द्वारा निर्धारित एक इंसान को उसकी बची हुई पगार की राशि मिल जानी चाहिए। ये कोई भी हो सकता है, आपका जानने वाला, आपका घर का कोई सदस्य या आपका दोस्त। और अब हम बात करते हैं कानून द्वारा हर क्षेत्र के लिए एक मिनिमम पगार निर्धारित की गई है। हर कर्मचारी को कम से कम ये मिनिमम पगार मिलनी ही चाहिए। मिनिमम पगार के साथ साथ जैसे जैसे देश में चीजों के दाम बढ़ते या घटते हैं, सरकारी कानून द्वारा एक ऊपरी भाटा उसका भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे दामों के बढ़ने या घटने से रोज के खर्चे पर असर पड़ता है। तो जैसे हम देखें कि अगर चीजों का दाम बढ़ के 100 से 160 रुपए हुआ है तो आपकी पगार पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ना चाहिए और वो उसी रूप से बढ़नी चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको आपके सरकारी हक जानने में मदद की हो।
धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नीचे दिए गए लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं।